गुड मॉर्निंग बच्चों, आज क्लास थर्ड के ईवीएस का मैं काम दे रही हूँ। ठीक है, पहले मैं आपको एक क्वेश्चन दे रही हूँ। यू मस्ट हैव सीन मेनी एनिमल्स टू, आपने बहुत सारे एनिमल्स देखे होंगे। राइट विच ऑफ देम, उनमें से आपने किन किन एनिमल्स का नाम लिखना है, इनके बारे में लिखना है। जैसे पहले लिखा है कैन फ्लाई, मतलब जो उड़ सकते हैं। उनमें से एक एनिमल्स का नाम मैं लिखूंगी, बाकी का आपको सोच के खुद लिखना है। ठीक है, अब जैसे कैन फ्लाई, कैन फ्लाई का मतलब होता है जो उड़ सकते हैं। अब उड़ कौन कौन सकते हैं, जैसे बटरफ्लाई, बी यू डबल टी ई आर एफ एल वाई, बटरफ्लाई। ऐसे ही आपको और एनिमल्स के नाम लिखने हैं। अब तुम्हें पता है कि ज़्यादातर बर्ड्स जितनी भी होती हैं वो क्या करती हैं, उड़ती हैं। तो आपको सोच के ऐसे ऐसे बर्ड्स के नाम लिखने हैं जो आपने देखी हो। ठीक है, उनके आपको नाम लिखना है। अब दूसरा है कैन क्रावल, मतलब जो रेंगते हैं। अब कौन कौन से जीव ऐसे हैं जो रेंगते हैं, जैसे स्नेक, सांप। सांप तो सभी ने देखा है ना, सांप क्या होता है, रेंगता है, स्नेक। अब आपको ऐसे ही और एनिमल्स का नाम लिखना है सोच के जो रेंगते हैं। अब है तीसरा कैन वॉक, जो चलते हैं। अब चलते तो सारे एनिमल्स हैं, जैसे उसमें से मैं एक आपको बता रही हूँ, जैसे काव, काव चलती है। और भी बहुत सारे एनिमल, जैसे तुम्हें पता होगा आधे से ज़्यादा एनिमल्स तो तुम्हारे घर में ही होंगे जो चलते होंगे, जैसे डॉग, बफेलो। उनके नाम आपको सोच के लिखना है जितना आपको आता है। कैन होप, जो उछलते हैं। अब उछलते कौन कौन है, उछलते फ्रॉग, जैसे फ्रॉग, फ्रॉग मतलब मेंढक, फ्रॉग उछल के चलता है। वैसे और एनिमल्स का नाम आपने सोचना है, जैसे रैबिट, रैबिट भी उछल उछल के चलता है। ठीक है, उछलना मतलब फुदक फुदक के जो चलते हैं। हैव विंग्स, मतलब जिनके पंख होते हैं। अब आप जानते हो कि पंख भी सारे बर्ड्स के होते हैं, जैसे कुकू, कुकू मतलब कोयल। ठीक है, हैन मुर्गी, ऐसे तुम्हें और बर्ड्स के नेम भी लिखने हैं। बर्ड्स सब, जितनी भी चिड़िया है लगभग सभी के पंख होते हैं। हैव फीट, जिनके पैर होते हैं। अब ऐसे भी लगभग सारे एनिमल्स हैं जिनके पैर होते हैं, कुछ ही एनिमल्स ऐसे होंगे जिनके पैर नहीं होते, जैसे सांप, ऐसे होंगे गिनती के, पर लगभग सारे एनिमल्स के क्या होते हैं, पैर होते हैं, जैसे काव, डॉग। ऐसे तुम्हें और सारे एनिमल्स के नाम लिखना है जिनके पैर होते हैं। अब है हैव अ टेल, जिनकी पूंछ होती है। अब पूंछ भी बहुत सारे एनिमल्स की होती है, जैसे डॉग, डॉग की पूंछ होती है। और किस किस की होती है, कैट की भी होती है। ठीक है, और ऐसे एनिमल्स आपने सोचने हैं जिनकी पूंछ होती है। आधे से ज़्यादा एनिमल्स तो आपके घर में ही होंगे जिनकी पूंछ होती है। ठीक है, आपको उन सारे एनिमल्स का नाम लिखना है। ओके, थैंक यू।